हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली कौल। इमरामा टैरो में आपका स्वागत है। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of December टू 10th of December। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए केप्रिकॉन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 1st to 10th December, क्या मैसेजेस हैं केप्रिकॉन के लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैजिटेरियस, फोर ऑफ वॉन्ड्स अगेन एरीज लियो सैजिटेरियस, एट ऑफ कप स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके, अब देखिए केप्रिकॉन, हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ट्रैवल करके आ रहा है। आई थिंक ये इंसान काफी प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपके पास कैसे आना है, जब आएंगे आपके पास तो क्या बोलना है, क्या करना है। बट आई थिंक ये अपनी जो एक आपके संग जो कनेक्शन है ये उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। हो सकता है फ्रेंड है तो प्रपोज करके आपको अपना पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो, बट ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब वो आपके सामने आएंगे तो बोलना क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपरेशन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एक्सपेंशन दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है, तैयारियां दिख रही हैं। एंड आई थिंक ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, कनेक्शन में पढ़ना चाहते हैं, आपके संग कनेक्शन में एंटर करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स के बाद है फोर ऑफ वॉन्ड्स, शादी। ये एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं, किसी हॉलिडे पे जाना चाहते हैं। हो सकता है आपकी इनके साथ शादी की बातचीत स्टार्ट हो, या प्रपोजल हो, या यू नो लाइक कन्फेशन हो कि मैं तुमको पसंद करता हूं या करती हूं, वैसी कोई चीज है, और आप दोनों साथ में ट्रैवल करें, वो भी मुझे दिख रहा है। हमारे पास एट ऑफ कप्स है पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। मुझे लग रहा है कि आप शायद इनसे किसी चीज को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं, इस वजह से आप शायद दूर चले जाएंगे, यू विल वॉक अवे। आप थोड़ा सा मे बी इनको हाँ ना बोलें, किसी चीज से आप डिसअपॉइंटेड हैं, कोई इन्होंने ऐसी चीज करी है, आई थिंक इन्होंने कुछ करा है जिस, और ये रियलाइज करते हैं कि इन्होंने क्या करा है, कुछ गलत, जिस वजह से ये और भी जल्दी आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं ताकि वो आपको मना सके। यू नो लाइक प्रिपरेशन, जैसे मैंने बोला था कि प्रिपेयर कर रहे हैं कि बोलना क्या है, कोई चीज जो इन्होंने गलत करी है उसका क्या जस्टिफिकेशन देनी है। एंड आई थिंक आप इस कनेक्शन से बाहर जा रहे हैं, यू आर वॉकिंग अवे, आप उनको हाँ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे कुछ मुझे चीज लग रही है। कई लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है मुझे, हो सकता है कोई और टॉक्सिक कनेक्शन हो आपका, मे बी ये इंसान आपको पसंद करते हो और आप किसी और टॉक्सिक कनेक्शन में भी हो, बट आपको इस इंसान की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं थी तो आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी एग्जिट नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही इनकी तरफ से कमिटमेंट आई आपने यहां से एग्जिट कर लिया, वैसी वाली वाइब भी हो सकती है। देखते हैं लव एंड कनेक्शन डेक्स हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th December। यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। देखिए केप्रिकॉन, मैंने अभी बोला कि बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, बट आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ये इंसान, एक के साथ आप ऑलरेडी हैं, टॉक्सिक है बट स्टिल ऑप्शंस हैं आपके पास, इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं। नॉट दैट इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस होने लग गए हैं लोगों के पास, तो बट आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि आप कम हैं। थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। देखिए मैं वही बोल रही हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आप वॉक अवे कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान, क्योंकि आपने इनसे थोड़ा सा विड्रॉ कर लिया है अपने आप को, तो इसलिए ये भागे भागे आ रहे हैं आपके पास और प्रपोज कर रहे हैं, एंड यू नो लाइक एक लवी डवी कुछ चीजें बोल रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो सच हो, जरूरी नहीं है कि अगर ये प्रपोज कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो वो मीन करते हो। थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। तो थोड़ा सा आपको अपनी समझ, सूझ बूझ, थोड़ी इंट्यूशन के हिसाब से काम लेना पड़ेगा। जो चीज सामने दिख रही है उस पर यकीन कर लें आप, वो हमेशा सही नहीं होता है। पकड़ आप बटर कप, आप लव मैग्नेट बन रहे हैं केप्रिकॉन, आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं,
इन्फैटुएशन हो रहा है बहुत लोगों को आपसे, बहुत लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के किसी को हाँ या ना बोलिएगा, ज्यादा ऑप्शंस की वजह से हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा धरती पे रहिएगा, बट थोड़ा अपनी इंट्यूशन और विजडम यूज करिएगा, मैं बोलना चाहूंगी। अब देखते हैं हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है आपके लिए, क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या वो चाहते हैं एग्जैक्टली आपसे। एरीज क्या फील करते हैं केप्रिकॉन से, एरीज क्या चाहते हैं केप्रिकॉन से। नाइन ऑफ कॉइन्स, देखिए एरीज जो है ना इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स में अभी डूबे हुए हैं, इंडिपेंडेंस अपनी एंजॉय कर रहे हैं, तो आपकी तरफ इनका ध्यान नहीं है, ये थोड़ी अपनी इंडिपेंडेंट जो अपनी फ्रीडम है ये अभी वो एंजॉय कर रहे हैं। टॉरस क्या चाहते हैं आपसे, टॉरस क्या फील करते हैं आपके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, भाई टॉरस इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज हैं, डिलेमा में हैं कि हाँ बोले ना बोले, वापस आए नहीं आए, छोड़ें क्या करना है उनको नहीं पता है, तो वो बहुत कंफ्यूज हैं। जेमिनाई क्या फील करते हैं आपके लिए, जेमिनाई क्या चाहते हैं आपसे। टेन ऑफ कॉइन्स, जेमिनाई आपसे शादी करना चाहते हैं, वो अभी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं और वो चीज इंप्रूव भी हो रही है और वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन जाएं। कैंसर क्या चाहते हैं आपसे, कैंसर क्या फील करते हैं आपके लिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कैंसर दे आर मूविंग ऑन, कैंसर आप पे अटके नहीं हुए हैं, आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं, या उनको पता है कि आप उनके पास वापस नहीं आओगे, एंड फाइनली वो मूव ऑन कर रहे हैं। लियो क्या चाहते हैं आपसे, लियो क्या फील करते हैं आपके लिए। द एम्प्रेस, लियो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो भी गोल्स हैं, उनके टारगेट्स हैं, या जो भी वो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आपके साथ करें, आपको अपनी फैमिली का पार्ट बना के करें, वो आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, बेबीज चाहते हैं। वर्गो क्या चाहते हैं आपसे, वर्गो क्या फीलिंग रखते हैं आपके लिए। थ्री ऑफ कप्स, वर्गो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है इस टाइम पे, हो सकता है उनके पास कोई और ऑप्शन हो और वो ये देख रहे हो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कौन बेटर बेटर है, एंड उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट हाँ उनका लाइक पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन आप पे नहीं है, एक और इंसान भी है। लीब्रा क्या चाहते हैं आपसे, लीब्रा की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। दो हैंग्ड मैन, लीब्रा वेट कर रहे हैं, लीब्रा वेट कर रहे हैं, वेटिंग पॉज, मतलब वो एक जगह अटके से हुए हैं तो वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हो सकता है वो वेट कर रहे हो कि आप कब आएंगे, आप वेट कर रहे हो वो कब आएंगे, और वो हैंग्ड मैन वाली एनर्जी है। स्कॉर्पियो क्या चाहते हैं आपसे, स्कॉर्पियो क्या फील करते हैं आपके लिए। सेवन ऑफ वॉन्स, स्कॉर्पियो इस टाइम पे काफी चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे हैं केप्रिकॉन, उनकी लाइफ में काफी हार्डशिप्स हैं इस टाइम पे, तकलीफें हैं, वो लाइक बहुत मेहनत कर रहे हैं उन उस चीज से बाहर निकलने की, हो सकता है किसी लीगल केस में भी फंसे हो वो बट आप अभी उनके ध्यान में या कहीं पे नहीं हो, उनका ध्यान प्राण प्रायोरिटी कहीं और है। सैजिटेरियस क्या फील करते हैं आपके लिए, सैजिटेरियस क्या चाहते हैं आपसे। नाइट ऑफ सोर्ड, सैजिटेरियस आपके पास भाग के आ रहे हैं, घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, नॉट लिटरली बट या वो काफी ब्रेव स्टेप ले रहे हैं, कोई बोल्ड मूव ले रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं करा, बट वो आपकी तरफ आ रहे हैं। केप्रिकॉन क्या चाहते हैं आपसे, केप्रिकॉन क्या फील करते हैं आपके लिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, केप्रिकॉन का हार्ट ब्रेक हुआ है, उनका दिल टूटा है, और एंड आई थिंक वो उसी वाइब में है अभी इस टाइम पे, वो किसी और रिलेशनशिप या कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो थोड़ा उसी में ही कहते ना इन्वॉल्व है, वो अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। एक्वेरियस क्या चाहते हैं आपसे, एक्वेरियस क्या फीलिंग रखते हैं आपके लिए। द टावर, काफी उथल पुथल चल रही है एक्वेरियस की लाइफ में अभी इस टाइम पे केप्रिकॉन, काफी चेंजेस, डिस्ट्रक्शन, मैसिव चेंजेस से वो गुजर रहे हैं, तो आई थिंक आपको उनको अकेला छोड़ देना चाहिए और उनको लाइक अपनी जर्नी से
खुद ही डील करने देना चाहिए। पाइसेस क्या चाहते हैं आपसे, पाइसेस क्या फीलिंग रखते हैं आपके लिए। सेवन ऑफ कॉइन्स, देखिए पाइसेस ना इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है काफी उनको किसी चीज का, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी किसी चीज में और अब उनको उस चीज का रिवॉर्ड, रिटर्न, प्रॉफिट मिल रहा है एंड वो उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। लाइक उन्होंने कहीं पे बहुत जद्दोजहद करी थी लाइफ में एंड अब जाके उनको वापस रिटर्न में कुछ मिल रहा है उनकी मेहनत का, तो वो उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। आपके पास नहीं आते दिख रहे मुझे, बट यस मोस्टली मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉन। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।